हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राण, आप देख रहे हैं हिंदी एक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो गूगल कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं, इस गूगल कैमरे का नाम है गूगल कैमरा ग्रेटनेस बिल्ड 2.0। सो अब यहाँ पर वर्जन के अंदर देख पाओगे दोस्तों, ग्रेटनेस इस डेवलपर का नाम है एंड बिल्ड है 2.0। एंड यहाँ पर आपको मैं मोड के अंदर दिखा दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो वर्जन है वो भी आप देख पाओगे, यहाँ पर कोड अरोरा स्नैप कैम इसका ORG है एंड वर्सन आप देख पाओगे बिल्ड है 2.0। सो ये जो डेवलपर है दोस्तों बहुत ही अच्छा डेवलपर है एंड बहुत सारी डिवाइस के लिए ये जो डेवलपर है काम किया है। मतलब इस डेवलपर का जो काम है, मतलब गूगल कैमरा जो दोस्तों बहुत सारी डिवाइस को सपोर्ट करता है, स्पेशली जो गूगल कैमरा गो है इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स हो दोस्तों इस डेवलपर के, क्योंकि ये जो डेवलपर है दोस्तों गूगल कैमरा गो को लिए बहुत सारी काम को किया है। मतलब GKM गो जो है उसके साथ इस डेवलपर का बहुत अच्छा नाता है। मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किया है इस डेवलपर ने एंड नया बिल्ड भी अवेलेबल हो गया है बिल्ड 2। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इस बिल्ड के अंदर हमें नया क्या मिलता है, क्या कैटलॉग है, वीडियो सैंपल एंड फोटो सैंपल भी मैं दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो का अंत तक देखिए। सबसे पहले जो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट डाउनलोडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ इस डेवलपर का गूगल कैमरा को। सो अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एज वेल दोस्तों, इस वीडियो को अभी का भी लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबाइएगा। एंड मुझे आप चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करना और मुझसे बात कर लेना। एंड जो डेवलपर दोस्तों बांग्लादेश से है, सो भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया है। एंड बंगाली में कहना चाहता हूँ, भाई तुम खूब भलो काज करो छो और हमार खूब भल लगे तुम्हार गूगल कैमरा को। तुम्हार गूगल कैमरा हम यूज करी प्रत्येक डिवाइस के मध्य, हम तुम्हार गूगल कैमरा यूज करी और खूब पसंद हो तुम्हार गूगल कैमरा। यह काज करते थको और भलो भलो गूगल कैमरा तैरि करते थको हमारे डिवाइसर जो। एनीवे हिंदी एंड बंगाली मिक्स हो गया। एनीवे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर UI के बारे में क्या क्या बताया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है दोस्तों थोड़ा सा जो रीअरेंज किया गया है एंड आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स को डाला गया है जो कि लास्ट बिल्ड के अंदर नहीं था। उसके बाद कुछ लेआउट मिस्टेक है उसे फिक्स करके दिया गया है एंड नया आपको जो लोगो भी मिलेगा। जब भी मैं दोस्तों सेटिंग्स में जाऊँगा, देखिए बैक करूँगा, नया लोगो दिखाई देगा, देखो देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा है। फिर से दिखाता हूँ। सो बाई ग्रेटनेस का जो लोगो आती है दोस्तों नया डाला गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद दोस्तों कुछ कॉन्फ़िग को भी डाला गया है, कुछ कॉन्फ़िग को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि ओप्पो वन प्लस नॉट के लिए है, जो कि हमारा कोई भी काम का नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है दोस्तों यहाँ पर आपको IMAX का ऑडियो का सपोर्ट आ गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने इससे पहले शायद ही कोई गूगल कैमरा के अंदर जो IMAX ऑडियो है उसका सपोर्ट मिलता होगा। सो यहाँ पर आप IMAX ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने गूगल कैमरा के अंदर, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ हमें यहाँ पर लगी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर लगी है। एंड यहाँ पर आपको ऑटो हेड बैलेंस भी मिल जाती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो गूगल का नहीं भाई साहब, यहाँ पर ग्रेट ऑटो वाइड बैलेंस आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको HDR एनहांसमेंट, HDR मोड, मोशंस तो मिलता ही है भाई साहब। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ पोर्ट्रेट मोड, तो फ्रंट बैक दोनों के अंदर पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। सो पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पर आपको फेस रिटचिंग का भी ऑप्शन मिलती है, HDR मोड मिल जाती है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। नाइट स्लाइड मोड के अंदर आपको यहाँ पर फोकस मिलती है फार नियर एंड ऑटो के लिए, एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी मिलती है, डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड वीडियो की बात करें दोस्तों, ये जो गूगल कैमरा है GKM 703 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो 4K एंड फुल HD का स्विच बटन है वो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप 30 FPS, 24 FPS एंड 60 FPS के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। पैरानोरमा फोटोस पर स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन है, जो स्लो मोशन फीचर है वो काम कर रहा है नहीं देख लेते। मेरे पास जो डिवाइस है दोस्तों ये MI2 एंड MI2 डिवाइस के अंदर जो स्लो मोशन फीचर है वो काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम लैप्स फीचर की, चेकआउट कर लेते हैं क्या टाइम लैप्स फीचर काम कर रहा है। ना जी भाई साहब, जो MI2 डिवाइस है इसके अंदर जो टाइमलेस फीचर है काम नहीं कर रहा है। बाकी फोटोज पर पैरानोरमा तो काम करते हैं भाई सब, सभी ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर काम कर जाती है। यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को दिखाने के बाद भाई साहब पिक्चर सैंपल दिखाऊंगा, मजा आएगा। एक्सपोजर के लिए मिलती है यहाँ पर बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, उसके बाद पोर्ट्रेट के लिए भाई साहब ये तो मैनुअल सेटिंग्स है। उसके बाद ISO के लिए अलग से मिलती है, पिक्सल का ऑटो वाइड बैलेंस, HDR एनहांस के तरफ से कस्टम लिप्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब है जहाँ पर गूगल कैमरा के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी आप गूगल कैमरा के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड करोगे। सेफ सेल्फी SPV है दोस्तों, जस्ट लाइक ए मिरर व्यू। उसके बाद HDR कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, रॉ इमेज का सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके बाद लिप पैचर है जहाँ पर आप दोस्तों बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा एंड हर एक लेंस के लिए अलग से कस्टम सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो, शार्पनेस को, क्रोमा को, कॉन्ट्रास्ट को, सैचुरेशन को, जस्ट लाइक ए
आप एडिट कर रहे हो कोई भी फोटो को, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लीप पचर का सपोर्ट आ गया है। कैमरा साउंड को बंद कर सकते हो। एचडीआर फ्रेम के अंदर सिर्फ 24 फ्रेम्स का सपोर्ट है, अगर 45 फ्रेम्स मिलता तो अच्छी होती, बट कोई बात नहीं। इसके बाद आईमैक्स ऑडियो का सपोर्ट है जैसे कि मैंने बताया, एंड स्ट्रीम कॉन्फ़िग भी मिलेगा, ये भी नया डाला गया है दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था। फ्रेम इंटिंग है, पोर्ट्रेट मोड का जूम है जो है ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाएगा। सोशल शेयर की ऑप्शन है जहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल कैमरा से ही अपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर फोटोज को शेयर कर पाओगे, सिर्फ तीन ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है, टेलीफोटो एंड वाइड एंगल लेंस। माइक्रो लेंस का भी सपोर्ट देना चाहिए था बट कोई काम का नहीं भाई सब, ठीक है। टेलीफोटो लेंस वाइड एंगल लेंस का भी सपोर्ट है, सो आप आराम से गूगल कैमरे के अंदर जो टेलीफोटो वाइड एंगल लेंस है उसका मजा ले पाओगे। एंड गेस्चर्स भी मिलेगा, डबल टैप एक्शन एंड वॉल्यूम की इसका एक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यूज़ कर सकते हो, एंड 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है, EIS का ऑप्शन मिलेगा, OIS का ऑप्शन मिलेगा, बिट रेट जो है 100 MB तक जाता है। उसके बाद चार आपको ऑप्शन मिलती है। पहला है दोस्तों गूगल कैमरा पोर्ट के बारे में, जो गूगल कैमरा है दोस्तों डेवलपर है देख ही पा रहे हो, एंड यहाँ पर जो वर्सन है वो 2 हम यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि 2 नंबर बिल्ड है। एंड यहाँ पर अबाउट दिस मोड आप पढ़ सकते हो, इस मोड के अंदर क्या क्या फीचर्स को डाला गया है यहाँ पर आप पढ़ पाओगे। एंड यहाँ पर जो ट्यूटोरियल बताया गया है किस तरह से एस्ट्रोफोटोग्राफी मोड को, वाइड बैलेंस को, जो 48 MP है, एंड फोटोग्राफी के कुछ टिप्स भी मिलेंगे यहाँ पर आप टैप करके पढ़ सकते हो, एंड बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। एंड यहाँ से आप कॉन्फिग को अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो बेस सेटिंग्स होता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर पिक्चर सैंपल की, क्योंकि भाई सब पिक्चर सैंपल काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। सो मैंने कुछ पिक्चर सैंपल को क्लिक किया है दोस्तों। क्लाउडी सीजन है, रेनी सीजन है, कुछ टाइम क्लाउड आती है कुछ टाइम नहीं आती है। सो जो भी आप पिक्चर सैंपल देख पाओगे सभी को मैंने दोस्तों इस गूगल कैमरे के साथ ही क्लिक किया है, एंड M2 डिवाइस के साथ क्लिक किया है। बाकी आप जज करके बताइए आपको पिक्चर सैंपल कैसी लगी, पिक्चर की क्वालिटी कैसी लगी। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, इंप्रेसिव लगी है, एंड जिस तरह से हमें गूगल कैमरे के अंदर मिलना चाहिए क्रिस्टल क्लियर डिटेल वाली पिक्चर वैसे मिली है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं है, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है डेवलपर के तरफ से, कोई भी परेशान की बात नहीं है। बाकी अगर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस गूगल कैमरा का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पर्सनली ये जो गूगल कैमरा लगा है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, एंड मोस्टली बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑलमोस्ट जो सभी यूजफुल ऑप्शन है काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्लो मोशन हो काम कर रहा है, या जो एचडीआर मोड है वो काम कर रहा है, जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आया है। एंड जो डिटेलिंग है कैमरा पकड़ता है बहुत ही बढ़िया है, जो एल्गोरिदम काम करती है दोस्तों गूगल कैमरा का वो बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत ही डिटेल पिक्चर मिलेगा, एंड आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं है, आपको कोई भी दोस्तों परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई भी डर नहीं रहेगा जो पिक्चर है कैसा आएगा वैसा आएगा, बट जो ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी आएगी बहुत ही शार्प एंड डिटेल के साथ कलरफुल पिक्चर आएगी, एंड सोशल मीडिया रेडी पिक्चर है। अभी दोस्तों जो गूगल कैमरा आती है दोस्तों ऑलमोस्ट सभी गूगल कैमरा के अंदर जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है दोस्तों एडवांस एल्गोरिथम है, वो दोस्तों क्या करता है डिटेक्ट करता है कौन सा सिनेरियो है, किस तरह से दोस्तों जो कलर है उसे पॉप करना चाहिए, मतलब आपको जो सैचुरेशन मिलती है दोस्तों एकदम अच्छा सैचुरेशन मिलेगा, मतलब कोई भी पिक्चर को अलग से आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा, एंड जो ड्रिलिंग के साथ हमें पिक्चर मिलती है गूगल कैमरे की तरफ से बहुत ही बढ़िया है। सो ये जो गूगल कैमरा है वन ऑफ द बेस्ट गूगल कैमरा है मैंने जो ट्राई किया है, एंड यहाँ पर ओवरऑल सभी पिक्चर की क्वालिटी ड्रिलिंग HDR मोड के साथ बहुत ही बढ़िया लिख रहा है। हर एक पिक्चर के अंदर जो HDR मोड है दोस्तों ऑन में था, मैंने HDR को जो है NS मोड में भी नहीं डाला था, ऑफ भी नहीं किया था एकदम दोस्तों, NS मोड जो HDR सिर्फ ऑन था, एंड जो गूगल का जो ग्रेट ऑटो वाइड बैलेंस थे ऑटो वाइड बैलेंस था वो ऑलवेज ऑन ही था। सो इस दो मोड को मैं अप्लाई करने के बाद पिक्चर को क्लिक किया, एंड बहुत ही बढ़िया भाई सब पिक्चर आई है, एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ पिक्चर क्वालिटी के साथ। एनीवे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करने के साथ साथ इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी